आज कहें सुबह से मतदान चला हुआ है और अब से करीबन आधे घंटे बाद मतदान भी खत्म हो जाएगा, तो हम बैठे हैं पूरे दिन के मतदान को लेकर के विश्लेषण करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण राव उर्फ बोबी जी, साथ के अंदर है विनय यादव जी। और आपको बता दें लगातार हम तीन सीटों पर बात कर रहे हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा और रोहतक और गुरुग्राम, और इन तीन सीटों पे हमारी निगाह है क्योंकि ये तीनों ऐसी हॉट सीट है। अगर हम बात कर ले रोहतक की, तो क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा 2019 में चुनाव हार गए थे और अब उस सीट पर सबकी निगाह लगी हुई है। साथ के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, जहां श्रुति चौधरी की टिकट कट गई और उसके बाद कहें किस तरीके से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी नाराज हुई, उस पर भी बात हम लगातार करते रहे, तो इसलिए वो भी हॉट सीट बन गई। तीसरी आती है गुरुग्राम लोकसभा सीट, जहां भाजपा की टिकट पर धर्मवीर जी भाजपा की टिकट पर जो है राव इंद्रजीत सिंह लड़ रहे हैं और कांग्रेस की टिकट पर राज बब्बर लड़ रहे हैं, और यहां पर कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट कट गई थी और उसके बाद राज बब्बर को टिकट दी गई, तो ये तीनों सीटें हॉट सीट बन गई। इन तीनों सीटों पे लगातार हमारी निगाह बनी हुई है, क्या यहाँ पे समीकरण है, मतदान चल रहा है, आधे घंटे बाद मतदान समाप्त हो जाएगा, तमाम जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत जो है ईवीएम के अंदर बंद हो जाएगी, उसी पे चर्चा करेंगे। प्रवीण राव बोबी जी, किस तरीके से देखते हैं अब गुरुग्राम लोकसभा सीट हो, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ हो, चाहे रोहतक हो, तीनों को किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी नमस्कार। भाई मोहनलाल जी, बात ऐसी है कि चुनाव प्रचार के तरह, जब प्रचार होता है तब चुनाव का रुख अलग होता है और जब वोट कास्ट होती है तब चुनाव का रुख अलग होता है। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है अभी जो चल रही है वोटिंग की, उसके हिसाब से ये है कि वोटर अच्छी तादाद में इस चरण में बाहर आया है। पहली बात तो एक ये है कि वोट प्रतिशत अच्छा जा रहा है। सुबह मैंने देखा था तो रेवाड़ी जिले को छोड़ के गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र के बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके अंदर मत प्रतिशत बहुत ज्यादा था, और भिवानी महेंद्रगढ़ और रोहतक का यहाँ का मत प्रतिशत भी बहुत ज्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो बेसिकली तो ये गांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे इतने बड़े शहर तो पड़ता ही नहीं, गुड़गांव का बादशाहपुर या गुड़गांव छोड़ के बाकी तो कोई बड़ा इतना कोई वो है नहीं, शहर बड़ा शहर है नहीं, शहरी मतलब वोटर कम है, तो गांव के वोटर है, तो गांव के वोटरों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। अब वो हिस्सा लिया है तो उसने अपने भाई कैंडिडेट जो भी मैदान में है सबने अपना जोर लगाया है, चाहे धर्मवीर हो, चाहे दान सिंह जी हो, चाहे मतलब बीजेपी कांग्रेस पार्टी, सबने अपना जोर लगाया है कि वोटर को बाहर लाने में इस बार कामयाब हुए हैं जी, और वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब भाई जो जिस पार्टी का बिलोंग करता है, जो जिस कैंडिडेट के साथ समर्थक रहा है, आप उनसे बात करेंगे या अब उनसे तो वो तो अपने कैंडिडेट की बात कहेंगे, जी हमारे वोटर याद पड़े हैं, हमारे सारे लगे रहे हैं, बिल्कुल। मगर हकीकत ये है कि वोटर बाहर निकला है और मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, लगता है कि अच्छा मत प्रतिशत जाएगा। दोपहर होने के बाद, दोपहर में भी मैं शहर में कई जगह कई पोलिंग बूथ पे गया था तो देखा था शहर में दोपहर में होने के बावजूद भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और टेम्परेचर भी कम नहीं था, कोई 43-44 डिग्री टेम्परेचर पे लोग निकल के वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब भाई समर्थकों में जोश है। बिल्कुल ठीक बात है। फाइनल डेटा तो जो चुनाव समापन हो लेगा, तमाम ईवीएम की सीलिंग हो जाएगी, उसके बाद सामने आएगा क्या कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर के जैसा आप मान रहे हैं अच्छा यानी कि जो है मतदान हुआ है, लेकिन सवाल ये है आपको लगता क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव हुआ होगा, किन मुद्दों पे लोगों ने वोट डाला होगा? हम लगातार देख रहे थे महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, तमाम मुद्दे जो है चुनाव प्रचार के दौरान उठाए गए, दोनों तरफ से तरह तरह के बयान आए, भाजपा हो या बीजेपी हो या राव इंद्रजीत हो या फिर राज बब्बर हो भारी का हो या फिर कहें के चाहे मंगलसूत्र का हो, चाहे राम मंदिर को तोड़ने की बात हो, ताला लगाने की बात हो, चाहे अडानी अंबानी को लेकर के हो, तमाम मुद्दे सामने आए, क्या लगता है वोटर ने कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा कैच किया होगा? क्योंकि आप तो राव समर्थक भी हैं, लगातार आप पैर भी कर रहे थे और क्योंकि कांटे का मुकाबला था, कहीं ना कहीं राव को भी इस बार जो है आप ये मान रहे होंगे कि आखिरी चुनाव है और बड़ा संघर्ष करना पड़ा है उनके समर्थकों को और कई मोर्चों में लड़ाई लड़नी पड़ी है। नहीं 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 मोहनलाल जी, ऐसा नहीं है। हम हर एक चुनाव, जितने चुनाव राव साहब ने आज तक लड़े हैं, चाहे हम उसमें दो चुनाव हारे भी हैं, जो चुनाव लड़े हैं,
मगर हमने सब में मेहनत बराबर करी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इस बार मेहनत ज्यादा हुई, पिछली बार मेहनत कम थी, अभी नहीं, ऐसा नहीं है। बस फर्क ये है कि राव साहब की एक संगठित टीम है, टीम है तो जिम्मेवारियां है, तो जिम्मेवारियां है तो यहाँ पे पार्टी, पार्टी में क्या होता है कि पार्टी में गुटबाजी हावी हो जाती है कि भाई किसी को जिला अध्यक्ष बना दिया तो किसी को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया, किसी को नहीं बनाया वो कहता है मैंने मेहनत ज्यादा की थी, मैं उसका भूटा का समर्थक हूँ, या किसी का कोई भी बड़ा लीडर आता है उसका समर्थक है हो जाता है। और जहाँ कैंडिडेट की पर्सनल टीम होती है तो वहां पे ये द्वंद्व तो चलता नहीं है कि भाई किसी को जिला का अध्यक्ष है ब्लॉक का अध्यक्ष है क्या है, वहां तो ये होता है बढ़ चढ़ के जी मैंने काम, वहां एक कंपटीशन होता है दिखाने का जी मैंने आपके चुनाव में ज्यादा काम किया, वो कहते हैं जी मैंने ज्यादा काम किया। तो हमारे वर्कर शुरू से ही अच्छी तरीके से लगे हुए थे। और जो आप कह रहे हैं मेहनत की, तो भाई राव साहब हरेक पिछले जितने इलेक्शन राव साहब ने लड़े हैं आज तक, राव साहब हरेक इलेक्शन में रोज की 15 से 20 मीटिंग अटेंड करते थे, ये रिकॉर्ड रहा है सारा यहाँ से, रोज 15 से 20 मीटिंग राव साहब ने अटेंड की है। विधानसभा के इलेक्शन में क्या था कि मीटिंग छुट्टी हो जाती है, लोकसभा के इलेक्शन में क्या था कि गांव की मीटिंग है तो 3-3, 4-4, 5 गांव की एक मीटिंग, बड़ा मीटिंग कर ली, मीटिंग ऐसे करके करते थे। और उसके अलावा राव साहब की टीम भी अपनी डोर टू डोर करती है, जो जिस ब्लॉक की है, जो जिस भाई जो गांव के लोग हैं आसपास गांव में जाना, तो वो डोर टू डोर राव साहब को पैदल चलता रहता है। तो ये हमारा तो हमेशा चला है भाई साहब। और जो आप कह रहे हैं कि मुद्दे पे चुनाव, तो मोहनलाल जी मैं एक बात बताना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है राजनीति के अंदर, वो एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुद्दे ठीक है, मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाता, मुद्दे होते हैं, मगर जो आखिर के 3 दिन होते हैं ना, आखिर के 3 दिन का इलेक्शन होता है, वो कैंडिडेट की पर्सनल साख पे आ जाता है और कैंडिडेट के पर्सनल इमेज पे आ जाता है, और कैंडिडेट के आखिरी के 3 दिन कैंडिडेट के वर्थ इलेक्शन लड़ते हैं। तो वो आखिरी के 3 दिन वो उसमें फिर मुद्दे हट जाते हैं, उसमें फिर कोई मुद्दे की बात नहीं करता जी। जैसे आप सपोज करो कि मुझे आपको आखिरी के 2 दिन कन्विंस करना है, हम मैं आपसे 15 दिन मुद्दे की बात करता रहूंगा कि जी ये मुद्दे है, ये मुद्दे विकास हुआ, ये हुआ, जब आखिरी के 2 दिन आएंगे तो आखिरी के 2 दिन मैं आपके पर्सनल तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आखिरी के 3 दिन में राव साहब अपने इलेक्शन को गेन कर पाए नहीं कर पाए, या अभी भी लगता है कोई कमियां रह गई हो? क्योंकि देखिए देखिए जिस तरीके से सुनिए जिस तरीके से कैप्टन की टिकट कटी, राज बब्बर को टिकट मिली और काफी देरी से टिकट मिली, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था राव को थाली में धर करके जो है पूरी जीत एक तरीके से मिल गई है। लेकिन जिस तरीके से बब्बर का चुनाव उठा, बाद में कैप्टन की नाराजगी दूरी हुई और एक कहें के पीछे से चुनाव उठता हुआ आया, तमाम कांग्रेस के अंदर भी रिपोर्ट कार्ड को लेकर के एक तरीके से अध्यादेश जारी किया गया कि अगर कोई कार्यकर्ता अनदेखी करेगा तो विधानसभा में दिक्कत आएगी। तो मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद कुछ चुनौतियां लगी कि हाँ भाई बराबर का, क्योंकि राव ने जब नामांकन कर रहे थे तो राव ने कहा था कि कभी भी विरोधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और हमें ताकत के साथ चुनाव लड़ना, कार्यकर्ता में जोश भरा था, उन्होंने ऑक्सीजन डाली थी। तो मैं वो पूछ रहा हूँ वो ऑक्सीजन बरकरार रही या नहीं रही? मोहनलाल जी हमारा इलेक्शन एक कंसिस्टेंसी से चला है, जो इलेक्शन में जोश पहले दिन था वही इलेक्शन में जोश आखिरी दिन तक था। हमारा इलेक्शन बीच में हमने कैंडिडेट की परवाह कभी नहीं की, हमने जो भी इलेक्शन लड़े आज तक कभी कैंडिडेट की परवाह नहीं करी, कैंडिडेट क्या है, पार्टी क्या है, पार्टी क्या बोलेगी या पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी की वो उसकी अपनी बात है कि टिकट उसने किसको दी, क्यों दी, किसकी क्या काटी, वो उनका एक पर्सनल मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं क्या आप भी कुछ नहीं कह सकते, पार्टी की सोच है अपनी, पार्टी के हाईकमान की और पार्टी के जो 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 स्टेट का नेतृत्व है उनकी सोच है। अब वो लोग जाने उसमें मैं और आप क्या टिप्पणी करें उसके अंदर, हम और आप सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना कि भाई अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये हुआ होगा हम हुआ होगा बात कर सकते हैं, असल में क्या हुआ ही पार्टी का मेरा सवाल जो है ना, क्योंकि अब आप 4-5 दिन का गैप आपको हो गया, क्योंकि आपसे मेरे ख्याल से करीब बात की 1 हफ्ते का समय मेरे को लगता है हो गया होगा आपसे, क्योंकि हमें चुनाव का फील्ड में निकलना था, तमाम घरों में बैठ करके डिबेट नहीं हो सकती, चुनावी कमेटी नहीं हो सकती, आप भी थे हम भी फील्ड के अंदर थे, हम भी आखिरी में 3-4 दिन फील्ड में थे। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जब तमाम जिस तरीके से चाहे गुड़गांव में रोड शो निकला, चाहे रेवाड़ी के अंदर बब्बर ने रोड शो निकाला, चाहे गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह ने निकाला, और एक बड़ा सवाल जिस तरीके से चर्चाओं का हुआ कि राव के साथ कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक नहीं आया, मोदी जी भी आए तो पाली के अंदर आए और जो कहें कि गडकरी जी आए वो कोसड़ी में आए, तो एक बड़ा मैसेज चला गया कि राव के साथ कोई बड़ी पार्टी के नेता क्यों नहीं आए,
एक बड़ा कहीं ना कहीं संशय हो गया, उस पर विनय जी से भी बात करेंगे, पहले आपसे जवाब एक बार जानना चाह रहा हूँ। मोहनलाल जी, मैंने आपको आप ये लास्ट डिबेट में आसिम से सवाल पूछा था, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार प्रचारक की, जहां तक स्टार प्रचारक की बात थी, तो मोदी जी के प्रोग्राम के लिए राव साहब ने खुद ही स्वयं मना कर दिया। नहीं वो तो हो गया, दो बार। दूसरी बात, हम अपने चुनाव के लिए, हम अपनी मेहनत पे, हम अपने उस पे वर्कर की टीम पे पूरे कॉन्फिडेंट थे, हमें जरूरत नहीं थी, हम जो हम पर्सनल पहुंच सकते थे, पहुंच के कर सकते थे। अब जैसे जो आप कह रहे हो, गडकरी जी आए कोसली या मोदी जी वहां आए, अब आप देखो, अब दो दिन, एक दिन गडकरी जी कोसली आए, तो हमारा पूरा दिन प्रचार का राव साहब का कोसली लगा, हमारा प्रचार का टाइम नहीं दे पाए, हम शायद उस दौरान 20-30-50 गांव की मीटिंग करके कवर करते थे। अब महेंद्रगढ़ में अपाली जिस दिन मोदी जी आए, वो आखिरी दिन था प्रचार का, तो आगे दिन प्रचार का था, तो धारगढ़ा के अंदर राव साहब ने दो प्रोग्राम किए था, अकेला प्रोग्राम किया था गांव में, क्यों वहां सीधे फिर महेंद्रगढ़ चले गए, पाली प्रोग्राम में चले गए, शाम को आए तो प्रचार खत्म हो चुका था, रिवाड़ी की एक दो मीटिंग थी, प्रचार खत्म हो चुका। सवाल तो वही कर रहा हूँ भैया, इसका नुकसान तो कहीं नहीं हुआ अगर मोदी जी पार्टी ने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। आप एक चीज ये देखिए ना कि जब पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, तो आप तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है भाई उसी के लिए वोट मांगोगे ना। हम भी आज वर्कर है, हम आज मतदाता से वोट मांगने जा रहे हैं, तो हम क्या वोट मांग रहे हैं? राव साहब इंद्रजीत सिंह को वोट दो। इसमें दो सवाल खड़े हो गए, देखिए कैंडिडेट वोट मांग रहे हैं और बाद में बताया जाए कि राव का बहुत बड़ा कद है, राव बड़े नेता है, हमारा बड़ा खुद कर, अपने रुतबे में मांग लेते हैं, भाई आप मुझे जिताते आए हो, मैं सांसद बन के जाऊंगा मोदी जी की वजारत में। सर ऐसा है जी, मोहनलाल जी, राव साहब ने राजनीति शुरू करी थी 1977 में, 77 से 2024 आ गए, उस वक्त क्या हुआ था 85-86 तक हम भी बच्चे थे, नहीं पता था, मगर 90 के बाद से मैं काफी एक्टिव हूँ राव साहब के इलेक्शन के सब में, यहाँ से मैं उस दौरान की 34-35 साल के बता सकता हूँ कि हर एक इलेक्शन में यही कहा जाता है कि आपका कद बड़ा था, आप उनके नाम से मौन है, मगर आप ये चीज देखिए कि ये भी एक अचीवमेंट है किसी आदमी की जो छठी बार सांसद बनने जा रहा है, चार बार जो विधायक रह चुका है, तो कोई इतना लंबा अगर पीरियड है, आदमी अगर इतना लंबा सार्वजनिक जीवन में अगर नुमाइंदा चुन के पब्लिक ने भेजा है, तो सर ऐसे तो नहीं भेज सकते ना, कोई कद काठी, कोई अपना खुद का रुतबा, खुद का वोट बैंक है तभी तो। और दूसरी बात, मैं आज आपको दावे से एक बात कह सकता हूँ, राव साहब 3 लाख वोट के आसपास जीतेंगे, आप ये बात नोट कर लेना, ये कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम की जीत राव साहब की नहीं होगी। चलिए मैं आपको पूरा समय पता क्यों दे रहा हूँ, एक बार आपसे बात हो जाए फिर विनय जी से बात करेंगे। जो इस बार कहें अहीर और मेवात नहीं हुआ, इस बार पंजाबी वोट बीच में आ गया, क्या लगता है? हाँ। डेंट लगाया, फायदा हुआ राव को? नहीं लगा, नहीं नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रचार के हथकंडे थे कि भाई पंजाबी वोट वहां चला गया, पंजाबी वहां चला गया और जाट वोट वहां भी तक गया, ये हो गया। देखो ऐसा तो यानी कि जो खट्टर वगैरह, खट्टर आए साहब, आए स्वामी धर्मदेव आए, उनका कोई प्रभाव मतलब नहीं पड़ा? देखो पंजाबी वोट जो 2-4-5% इधर उधर हुआ होगा, वो मैं उसका नहीं कह सकता, किसी भी चाहे अहीर वोट है वो भी 2-4% यहाँ होता है, राव साहब अहीर होते हैं वो भी होता है 2-4% यहाँ पे, 2-4-5% ऊपर नीचे हुआ होगा वो नहीं, मगर जो कह रहे हैं कि एकदम पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा, पंजाबी 7-7.5% है करीब, पंजाबी वोट बैंक है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो सोचे कि 7% में से भाई निरा सारा इतिखंड वहां चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ठीक है कि अगर किसी कैंडिडेट को 10-15% मिलना था तो बब्बर को 18 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, ये इतना फर्क आ सकता है, लेकिन मगर आप सोचे लेकिन देखिए मैं आप ही को पता है समय क्यों दे रहा हूँ, आप राव के समर्थक है, विनय जी को उसका निष्कर्ष निकालना है, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि बब्बर का जितना चुनाव प्रचार नहीं हुआ, राव को समय भी बहुत ज्यादा मिला, टिकट भी पहले, लेकिन उसके बावजूद भी राव बब्बर ने मतलब बब्बर इतना चुनाव प्रचार नहीं कर पाए जितना राव इंद्रजीत सिंह, मेवात हो चाहे गुरुग्राम हो चाहे रेवाड़ी हो, एक एक गली गली, मोहल्ला मोहल्ला कहें, एक एक वार्ड वार्ड, यानी कि नापना पड़ गया, तो चिंताएं तो कहीं ना कहीं थी कि फिल्म अभिनेता है, नेता भी है, वो भी 5 बार का सांसद है, चुनौतियां बड़ी हैं, कहीं देखो ऐसा हो जाए नुकसान बड़ा हो जाए। नहीं मोहनलाल जी, क्या कारण क्या है आप देखोगे, यहां से बताता हूँ आपको मैं, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर 22% तो वोट है मेवो की और 2% वोट है मुसलमानों की, टोटल लगा के 24% वोट है।
24% वोट ये आपकी 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र में फैली हुई है, क्योंकि बावल में तो इक्का दुक्का ही लगा सकते हैं मुसलमान वोट, रिवाड़ी रिवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, पटौती के अंदर कुछ है, और बादशाहपुर गुड़गांव में लगा सकते हैं, और मेवात की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जिसके अंदर बहुसंख्यक में वोट है सारी है। अब आप जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि बब्बर साहब को जो मैक्सिमम लीड मिलनी है, ये बब्बर साहब को जो अपना टोटल वोट का 70% या 75% वोट आना है, वो 75% वोट मेवात की 3 जो विधानसभा क्षेत्र है वहीं से आना है। उसका कारण क्या है कि एक मुस्लिम वोट बैंक का एक वो नैरेटिव सेट हो रखा है पूरे देश के अंदर कि बीजेपी को वोट नहीं मिलनी और ना मिलेगी, पहले भी नहीं मिली थी, पहले थोड़ी मिल जाती थी 2-4%, मगर इस बार बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आप टोटल वोट आप देखना, वोट परसेंटेज कि टोटल वोट पोल्ड सपोज करो 25,71,80,000 करीब वोट है, उसमें सपोज करो वोट पड़ती है 15 लाख और मेवात की वोट आती है 5,00,000, 5.5 लाख, 6 लाख वोट पोल होती है, मैं बता रहा हूं आपको मैं, और उसमें से हाँ ठीक है बब्बर साहब 4-4.5 लाख वोट लेके मिलेंगे लेंगे वहां से। उसके बाद का आप देखेंगे बावल से, रिवाड़ी से, पटौदी से या सोना से, आप देखेंगे बब्बर साहब की वोट में, तो बब्बर साहब को जो वो मिलना वो नहीं मिला। हाँ ये बात जरूर है, जैसे आप बता रहे पिछली बारी कप्तान साहब कहते हैं जी कप्तान साहब ने 5 लाख वोट दिए, 5.5 लाख वोट दिए, अरे भाई तो 5 लाख 5.5 लाख वोट लिए थे, कोई मना इनकार नहीं कर रहा, मगर कप्तान साहब को आप ये चीज भी देखो कि 3.5-4 लाख वोट मेवात से मिले थे उसको। तो यही बात अब बब्बर साहब का भी आएगा, तो बब्बर साहब का मैक्सिमम बहुतायत में वोट वहीं की आएगी कि मेवात की मिलेगी। चलिए विनय जी को जोड़ लेते हैं। विनय जी सब कुछ आपने सुन लिया, बड़ा चुनाव प्रचार किया, बड़ा बॉबी जी मान रहे हैं कि अभी 3 लाख से यानी कि राव इंद्रजीत सिंह की जीत है, किस तरीके से देखते हैं, या इससे भी बड़ी जीत होगी या मार्जिन घटेगा, किस तरीके से इसको देखते हैं? मोहन जी देखिए पहली बात तो ये, अगर 2019 का जो चुनाव था और 2024 के चुनाव के अंदर कई लाख वोट बढ़ गए, लगभग 21.5 लाख वोट 2019 के चुनाव में वोट थे, अब लगभग 25 लाख वोट है। अब इनके बीच का जो अंतर है उस अंतर को अगर देखते हैं, वोट पोल ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से जीत का अंतर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। पिछली बार 3,85,000 वोटों से हमारे राव साहब जीते थे और 5 लाख की जीत का दावा किया जा रहा था। अगर 5 लाख की जीत का दावा इसलिए किया जा रहा था कि वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो अगर प्लस करते हैं राव साहब को फेयर में और डालेगा तो 5 लाख पुरानी परिपाटी पे ही पुराना लेवल भी उनका फील्ड हम मानते हैं, तो 5 लाख वोट उनको स्वाभाविक है वो आएंगे और जीत जाएंगे। अगर 5 लाख से जितने भी कम वोट आ रहे हैं, मैं अगर किसी भाई की बात को मानता हूं 3 लाख से जीत रहे हैं तो इसका मतलब ग्राफ डाउन गया। वो 5 लाख का आंकड़ा वोट बढ़ने के बाद 21.5 लाख में वोट पोल हुई है उसमें आपका जीत का आंकड़ा लगाते हैं तो परसेंटेज रेशियो 25 लाख में अगर निकलता है तो उनकी जीत पिछले चुनाव के हिसाब से 5 लाख में होनी चाहिए। अगर 5 लाख से जीत नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप पिछले रेशो पर भी नहीं खड़े, पिछले रेशो का डाउन चले गए, ये सबसे बात। दूसरी बात, 3 लाख मान रहे हैं, अब मान रहे हैं ना 3 लाख, 3 लाख अब मान रहे हैं, वो तो रिजल्ट आने में पता चल जाएगा कितने लाख है। मैं ये नहीं कह रहा 3 लाख को गलत मान रहे हैं, ठीक है बॉबी भाई अच्छी बात है 3 लाख मान रहे हैं, पर और जो थे समर्थक थे वो तो सबको 6 लाख 7 लाख 5 लाख खुद कई जगह सभाओं में भाषणों में कहा गया है, खुद राव साहब ने अपनी सभा में कहा है इससे भी ज्यादा वोटों से जीत रहा हूं मैं, तो वो अलग बात है। तो ये एक तरीका होता है चुनाव के अंदर वोटरों को लुभाने का, कहने का इतनी बड़ी जीत हमारी चल रही है, वो 3 लाख आ गए चूंकि आज वोट पोल हुई है। एक सबसे कम वोट पोल जो होगी वो बादशाहपुर विधानसभा में होगी, क्योंकि वहां आकस्मिक निधन हो गया है, वहां से राकेश दोलताबाद जो निर्दलीय विधायक थे अभी रिसेंटली वो कांग्रेस में आए थे, तो एक तो हम उनके दुख के ऊपर सब शोक व्यक्त करते हैं, वहां से आ रहा आंकड़ा बिल्कुल ना के बराबर हुआ। अब वहां वोट सबसे कम परसेंटेज गुड़गांव लोकसभा में रहेगा तो बादशाहपुर विधानसभा से रहेगा, क्योंकि उनके जो समर्थक थे जो वोट कांग्रेस को पोल करते वो पोल कांग्रेस के फेवर में नहीं हो पाई, सब लोग उनके शोक सभा चले गए, उनको इस चीज का बड़ा दुख था, तो लोग वहां पोल करने नहीं गए, जो राकेश दौलताबाद के जो समर्थक थे मैक्सिमम वो लोग पोल करने नहीं गए हैं, तो वो नुकसान है कांग्रेस में। कह रहा था जिस तरह 2019 के अंदर हमारे जो यादव अहिर वोटर्स थे और मेवात के जो वोटर्स थे उनमें डिफरेंस था, मगर 2024 के चुनाव में जितनी अहिर वोटर्स हैं उतने ही लगभग मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो मेवात के जो वोटर मुस्लिम वोटर्स वो हमारे बराबर पैरेलल है। अब
दूसरा जो फर्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे अहीर मतदाता उतनी परसेंटेज में वोट नहीं कर पा रहे हैं जितनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ वोट की जो रहेगी वो मुस्लिम वोटर्स की रहेगी, क्योंकि उनका इस बार सीधा सा एक मन है कि हमने एंटी बीजेपी वोटिंग करनी है, जो कैंडिडेट जीत रहा है उसको, तो उनके लिए हमारी जो गुड़गांव लोकसभा है उसमें कांग्रेस का ही कैंडिडेट उनके लिए एक विकल्प बच रहा है अगर जिसको वो वोट दे सकते एक मुश्त। इसी वजह से उन्होंने अपनी ही बिरादरी के अन्य जो नेता खड़े चाहे निर्दलीय खड़े हैं किसी पार्टी से खड़े उनको भी वोट देना गवारा नहीं समझा, उसको नकार दिया है। वो चाहते हैं हमारी वोट एक मुश्त इकट्ठी जाए ताकि उस वोट का प्रभाव और असर रहे। तो एक ये फर्क आया है वोटिंग परसेंटेज के अंदर, मेवाती जो अहीर वोटर्स थे उनके अंदर। अब दूसरा, गांव के जो वोटर्स हैं वो वोट ज्यादा कर रहे हैं शहर की बजाय, क्योंकि गर्मी का माहौल है, आज गर्मी बहुत हद से ज्यादा गर्मी थी, इस वजह से ही वोट का भी जो था प्रोसेस था शुरू शुरू के अंदर जो वोट पोलिंग सुबह अर्ली मॉर्निंग उसका परसेंटेज रेशो ज्यादा रहा, और 11 बजे से 4 बजे तक जो वोट पोल हो रही है वो परसेंटेज रेशो सबसे कम रहा। अब 4 बजे से 5 के बजे में कितनी गेनिंग हो पाती है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज गुड़गांव लोकसभा के अंदर कम रहेगा अगर टोटल वोट पोल की हम बात करेंगे तो। और पर्टिकुलर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी विधानसभा की भी पोलिंग रेशो वो कम रहेगा पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो वोट पोल हो रहे हैं। दूसरी वजह, रेवाड़ी विधानसभा की बात करें तो 2 दिनों के अंदर रेवाड़ी बावल पटौती आप विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 दिनों में गेन किया है अपने वोट परसेंटेज के अंदर। इनको इनके जो वोटर जो टीम लगी हुई थी राव साहब की या भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ लेवल के जो एजेंट थे उन्होंने वर्किंग की है, वो फील्ड में रहे और वो वोटों को अपनी तरफ लुभाने में या अपनी तरफ समर्थन में करने में वो कामयाब रहे हैं। उस अपेक्षा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वर्क करते वो उस लेवल का आखिरी के 2-3 दिनों में फील्ड वर्क कार्य नहीं कर पाए, एक ये लॉस कांग्रेस को ये गया है। नहीं, कांग्रेस तो लगातार कह रही थी ना कि भाई हमारे तो वर्कर लग रहे हैं, लेकिन ये चुनावी जनता क्या और सरकार के बीच में। देखिए मोहन जी, वर्कर लग रहे थे और लगे होने में बड़ा फर्क होता है। नेता तो सभी कहेंगे वर्कर लगे हुए हैं, पर फील्ड पे उनको चेक कौन कर रहा है, कौन सी टीम उन्होंने बनाई है जो फील्ड पे चेक कर रही है। राव साहब के वर्करों के अंदर एक फील्ड की टीम भी होती है जो जो लोग काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करते हैं, उनके साथ जो समस्याएं हैं उनको किसी चीज की जरूरत है जिस जो भी उनकी जरूरत पूरी करनी है वोटरों को वहां तक लाने के लिए या वोटर की कोई नीड है उसका पूरा करने के लिए उनकी जो टीम है वो अपने समर्थकों से लगातार संपर्क में रहती है और उनकी जरूरतों को आखिरी टाइम में पूरा भी किया जाता है जिससे चुनाव प्रभावित होता है। तो देखिये, चुनाव अब संपन्न हो चुका है, करीबन 6:10 हो गए और जो अंदर आ गया होगा बूथ के अंदर आ गया होगा उसका वोट डलेगा चाहे उसमें कितना भी समय लग जाए। लेकिन मेरा अब सवाल आपसे ये है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उम्मीदवार को फायदा कर गए उम्मीदवार को नुकसान कर गए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे मैंने गिनाए, मैं बार बार गिनाऊंगा फिर वो तमाम चीजें हो जाएंगी। आप किस तरीके से देखते हैं, अगर राव जीतेंगे तो किन मुद्दों पर जीतेंगे, हारेंगे तो किन मुद्दों पर हारेंगे, अगर बब्बर जीतेगा तो किन मुद्दों पर जीतेगा, हारेगा तो किन मुद्दों पर हारेगा, थोड़ा सा इसका विश्लेषण आप कर दें। देखिए, राव साहब का जीत के लिए आखिरी के अंदर चुनाव जो था वो जिस तरह मैंने भिवानी का भी बताया था, आखिरी के अंदर चुनाव जो बनेगा वो जातिगत आधारित हो जाएगा। तो आखिरी तक जो भी राव साहब से अहीर वोटर जो नाराज थे, लंबे समय से नाराजगी जाहिर करते थे, उनको मना लिया गया या आखिरी उन्होंने मन में यही बात रखकर उनको वोट दे दिया, अब चलो हमारा एक अहीर सांसद है इसकी सीट को भी क्यों खराब किया जाए, क्यों खत्म किया जाए। तो उस वजह से भी चाहे उन्होंने मन मार के वोट दी हो, उन्होंने वोट राव साहब को कर दिया, उन्हें पता है वोट तो आप कर रहे पर आपकी वोट की गिनती राव साहब के उस खाते में कहीं नहीं है, तवज्जो नहीं है, फिर भी एक उन्होंने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व लंबे समय से कर रहे हैं उसको साथ रखते हुए उसकी महत्ता को समझते हुए उन्होंने नहीं चाहा कि हमारी एक सीट अहीर की और खराब हो सांसद की, तो उनकी तरफ वोटों का झुकाव वो बढ़ गया आखिरी के 2 दिनों में। दूसरा, बाजार शांत चल रहा था, बाजार को लुभाने के अंदर कांग्रेस की जो टीम थी, राज बब्बर की टीम थी या जिसकी भी टीम थी, वो उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाई जो भारतीय जनता पार्टी की टीम ने काम किया है बाजार के लोगों को साथ लेने के अंदर। एक ये बेनिफिट उनको आखिरी के 2 दिनों के अंदर मिला है। पटौदी की बात करें तो पटौदी के मानेसर से जो लगता है एरिया है, पचगांव का एरिया, और राव साहब व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो भाषण दिया कि आप पार्टी की मोदी जी की सब बातों को छोड़ दीजिए, मैं आपका अपना हूं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल करते हुए मेरी तरफ देखते हुए सहानुभूति दिखाते हुए आप मुझे वोट कीजिए, मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उनको दूर करूंगा। तो एक जो अपील उन्होंने भावनात्मक की, अपना लगाव उन लोगों के साथ जो दिखाया, उससे भी जो लोग नाराज थे उनमें से बहुत से लोग उन्होंने सोचा चलो एक बार और मौका देते हैं, देखा जाएगा जो होगा वो, अगर हम कंटिन्यू इनके संपर्क में रहे हैं, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं
नया घर ठिकाना ढूंढने से पहले वो पुराने घर पे ही विश्वास करना ज्यादा पसंद करते, जो कितना ही खंडर और जर्जर क्यों ना हो रहा हो, वो एक मानते हैं अपना घर अपना ही है, जो कितना भी खंडर और पुराना जर्जर किसी भी हालत में हो। चलिए ठीक है, मैं मुद्दों पे आपसे बात कर रहा हूँ, मुद्दों तमाम मुद्दे उठ रहे, बार बार मेरे मुंह से आप मुद्दे गलवा रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कोई हो, मंगल सूत्र की बात हो, बाजरे की हो, राम मंदिर की हो, या फिर अग्निवीर मुद्दा हो, या फिर अहिर रेजिमेंट का मुद्दा हो, या फिर जो है क्या नाम से आपके राम मंदिर का मुद्दा, तमाम मुद्दे आए, तो आपको क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी इन मुद्दों में से कौन सा मुद्दा लोगों को लुभाया होगा? देखिए मोहन जी, मुद्दों का अगर बात करें तो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो भावना में नहीं बहता है, जो पढ़ा लिखा है, जो फैक्ट चेक करता है, वो मुद्दों तक वो रहता है सीमित, मुद्दों के आधार के ऊपर वोट करता है, इसमें कोई संशय नहीं। मगर जब चुनाव आपका आ जाता है, बिल्कुल क्रूशियल हो जाता है, और जब आप डोर टू डोर जाने लग जाते हैं, आप देखिए ये पहला चुनाव है जिसके अंदर राव साहब को सबसे ज्यादा सभाएं करनी पड़ी, सबसे ज्यादा लोगों को उसके साथ मिलने पड़ा है, सबसे ज्यादा उनके वर्करों को और उनके कार्यकर्ता को फील्ड में रहना पड़ा है। आप लगातार उनके चार लोकसभा के चुनाव देखिए, कांग्रेस के चुनाव के अंदर उन्होंने कभी इतनी मेहनत नहीं की, इतना लोगों से नहीं मिले, ना इतनी सभाएं की, इस लेवल तक वो गली गली मोहल्ले घूमना पड़ा। तो आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद राव साहब वो जो राजाशाही जो राजनीति थी उनकी, उसके अंदर तो कहीं ना कहीं कमी आई है, ये मजबूरी में आई है, कैसे आई, वो आई है, और उनको डोर टू डोर जनता के पास जाना पड़ा है, इसलिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी लोगों को समझाने में। नहीं, हम देख सकते हैं बीजेपी में जब चुनाव लड़ा जाता है तो दमखम के साथ लड़ा जाता है, कांग्रेस में उतना दमखम से लड़ा नहीं है। जी दमखम की बात जब आप करें, जब आप पैसा की बात कर रहे, आप दमखम की बात करते हैं, कांग्रेस की तरफ से अगर आप धन व्यवस्था की बात करते हैं तो भाजपा भारत देश की सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी है, और भाजपा पास इतना था पैसा है कि उस पूरे पैसे का प्रयोग चुनावों के अंदर खुलकर करती है, चाहे वो किसी भी रूप में करे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने के लिए धन बल खूब प्रयोग किया जाता है, पूरा प्रशासन का प्रयोग लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच और सत्य बात है। तो इस तरह जब आप चुनाव लड़ते हैं, जो लंबे समय से विपक्ष में पार्टी रही और जो लंबे समय में सत्ता है, जो सत्ता का पूर्ण प्रयोग करना जानती हो, प्रयोग नहीं पूर्ण प्रयोग हर तरीके से करना जानती हो, जो सत्ता के गलियारों का, दरवाजों का, सत्ता का, तो वो प्रभाव जरूर डालती है वोटर पे, क्योंकि वोटर आज गरीब आदमी के लिए दो जो उनकी रोजी रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल है, मगर कहीं ना कहीं इंसान प्रभावित हो जाता है आखिरी समय में, जब उसके सामने संकट आता है वो उस तरफ झुकता है। तो ये ऐसे कई मुद्दे हैं, आप अग्निवीर का मुद्दा कहे, खूबड़े भाषणों में खूब कहा गया, लोग इसके विरोध में थे, सब कुछ था, सब कुछ किया गया, मगर क्या है अग्निवीर जो हमारे सबसे यहाँ इस गुड़गांव लोकसभा से बात करें तो ये मुद्दा कम प्रभावी इसलिए रहेगा, अब यहाँ अहिर कैंडिडेट खड़ा था, और अहिर कैंडिडेट होने के नाते हमारे सबसे ज्यादा अहिर ही सेना के अंदर जाते हैं, मगर वो ये नहीं चाहते थे अग्निवीर के मुद्दे से हमारा लोकसभा सांसद हार जाए, जो हमारी ही जाति से विशेष से बिलोंग करता है, तो उनके सामने एक ये मजबूरी लगा लीजिए या अन्य विकल्प समझ लीजिए, नहीं था लंबा वोट करते हैं। पंजाबी वोट बैंक का शुरू से आखिरी तक जिक्र हो रहा था, राज बब्बर पंजाबी है, क्या लगता है डेंट कर पाया या राव को फायदा मिला है उसका? नहीं, डेंट तो पक्का हुआ है, अगर 5 लाख की कैंडिडेट पे जो जीत पिछली औसत आप गिने, इस बार भी औसत 5 लाख पे होनी चाहिए, जीत का मार्जिन होना चाहिए था, अगर उससे कम अंतर से अगर आप साहब जीत रहे हैं तो ये डेंट ही है, डेंट पक्का हुआ है पंजाबी वोट बैंक में। आप मगर एक है पंजाबी वोट बैंक में डेंट, जो गरीब पंजाबी है, मैंने जो हर जगह जाकर देखा मिला पोलिंग बूथ पे, उससे पहले भी जो गरीब पंजाबी है ना, उन्होंने सबने राज बब्बर को वोट किया है, जो पंजाबी जो बड़े दुकानदार बड़े उद्योगपति या जो डायरेक्ट जुड़े हुए राजनीतिक पार्टियों से भाजपा से, वो भाजपा को वोट कर रहे हैं, गरीब पंजाबियों ने जो वोट किया है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भाजपा में बहुत बिगड़ी है, वो बड़े परेशान है महंगाई से, तो उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए भाजपा को वोट नहीं दिया, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आया उन्होंने वोट दिया केवल इसलिए। अब वो एक एक संविधान का मुद्दा जो उछाला गया कांग्रेस की ओर से कि संविधान को खत्म कर देंगे और आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या लगता है पिछड़े वर्ग से वो डेंट हुआ है किसी को? बिल्कुल हुआ मोहन जी, पिछड़ा वर्ग नहीं सबसे ज्यादा इस मुद्दे को अपने ऊपर लिया है, संविधान के मुद्दे को, जो एससी कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध में भाजपा के विरोध में वोट किया है इस संविधान वाले मुद्दे के ऊपर, आरक्षण के मुद्दे के ऊपर बिल्कुल डेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो गेनिंग हुई थी उस गेनिंग में डेंट डालने का काम पंजाबी कैंडिडेट ने, पंजाबियों ने किया कुछ परसेंटेज में, संविधान के मुद्दे पर एससी कैंडिडेट ने किया,
जाट समुदाय ने जो अटेंड किया वो यानी कि जो एक तरफा राव की जीत दिख रही नहीं, थी एक तरफा जीत नहीं हुई। देखिए जब तक कैंडिडेट आया था राज बब्बर को टिकट मिली तो एक बार ये माना जा रहा था कि थाली में धकेल के जीत मिली। मोहन जी शुरू में तो ऐसा लग रहा था कैंडिडेट की जब घोषणा हुई राव साहब को कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, घर आना ही नहीं पड़ेगा, मगर आखिरी के अंदर चुनाव बढ़ता चला गया जब उन्होंने बढ़त बनाई तो राव साहब को अभी दिन रात गली गली घूमना पड़ा, जिन गलियों में आज तक वो कभी नहीं गए उन गलियों में भी उनको सवाई करनी पड़ी, जिन लोगों के उन्होंने कभी मुंह नहीं देखे उनके पास भी जाना पड़ा। बिल्कुल, ये एक सच्चाई है। जो लोग कभी रामपुर हाउस का दरवाजा नहीं देख पाए, जो जाने से डरते थे, उन लोगों के पास भी वोट मांगने के लिए राहुल को जाना पड़ा। चलिए बोबी जी समापन करेंगे, वीडियो बड़ा हो गया। मोहनलाल जी समापन, मैं दो एक बात कहना चाहूंगा, जो विनय भाई कह रहे थे आप भी कहते डोर टू डोर, तो मैं आपको दो बात कहना चाहूंगा। 2004 में राव साहब ने इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से ही, कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा था, तो मैं खोड़ ब्लॉक के एक टीम थी हमारी, मैंने शायद डोर टू डोर 60 गांव डोर टू डोर मैंने किए थे, मई का ही महीना था, अपनी टीम के साथ पूरे यहां से। 2009 में राव साहब ने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ही थी, फिर सांसद बने थे, तब मैंने रिवाड़ी के अंदर हमारी पूरी टीम ने एक एक घर में डोर टू डोर किया था। ये 2009 की बता रहा हूँ, उसमें रोहतास वाल्मीकि भी थे, हमारे धर्मवीर टीटी जी हैं वो भी थे, बहुत से मेरे साथ संजय चौहान थे, बहुत से मेरे साथ ही दिखा रहे कि हमने डोर टू डोर एक एक घर में जाके हमने वोट मांगी थी, एक एक घर गए थे हम, वो भी तब भी गर्मियों का महीना था। रही बात विनय भाई कह रहे हैं रिवाड़ी की मीटिंग की, तो मैं आपको बताता हूँ गोड़ चक्कर में राव साहब ने मीटिंग 2004 में भी की थी, 2009 में भी की थी, 2015 में भी की थी और 2019 में भी की थी, 24 में भी की है, 12 हजारी में भी की थी, मॉडल टाउन में भी की थी। विनय भाई का मोहल्ला टीपी स्कीम है, तो टीपी स्कीम के अंदर पिछले 5 इलेक्शन में सब में मीटिंग राव साहब ने की थी, कुतुबपुर में राव साहब ने मीटिंग की थी, रेलवे कॉलोनी में, शिव कॉलोनी में भावे राव साहब ने मीटिंग की थी। मुझे एक ऐसा मोहल्ला बताइए कि जहां पे राव साहब ने 2004 में मीटिंग नहीं की थी और 2009 में नहीं की थी और 2024 से पहली बार मीटिंग की थी, ये बात गलत है। दूसरी बात, राव साहब का जानेगा, राव साहब इलेक्शन के दौरान, अब समस्या हुई है ना कि राव साहब पब्लिक दुखी है, अपोजिशन वाले ना जाए तो दुखी है, वोट ये कहके मांगे कि यार तुम तो मेरे अपने हो, मेरे किस बात की नाराजगी, तो कमी रह गई मैं ठीक कर लूंगा आगे, तो वोट दे तो ये परेशान है अपोजिशन वाले। परेशानी नहीं है बोबीलाल जी, चर्चा कर रहे हैं हम लोग, चर्चा कर रहे हैं, देखिए चर्चा में, देखिए मैं आपसे सवाल कर दूंगा चर्चा में, भाई आप देखिए चुनाव में चर्चा कर, सुनिए सर चर्चा कर रहे हैं, एक सार्थक चर्चा करिए ना, एक कैंडिडेट को वोट मांगने का हक है। अरे कैसे भी वोट मांगे, हम कह रहे हैं आपके भाई कैसे भी वोट मांगे, हम जो हालात और स्थिति में बात कर रहे हैं, देखिए बीजेपी के इस बार रेवाड़ी में, अब मैं पर्सनल मत लेना, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ना पर्सनल किसी की बात करना, हम एक अच्छी चर्चा कर रहे हैं भाई, जो बीजेपी के नेता थे वो लोग नजर नहीं आए, वहां से सवाल उठे कि राव को घेरने की कोशिश की जा रही है, राव को यानी कि हराने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है, तो वो तमाम मुद्दे जब उछले और जब बब्बर आया तो लगा कहीं ना कहीं वो दूसरे पारे में ना चला जाए और तमाम चीजें हो जाए, लेकिन सर 2019 में किस बीजेपी कार्यकर्ता ने रेवाड़ी में जो आप जो बोल रहे हैं लीडर की किसने वोट मांगी थी, मुझे नाम बता दीजिए एक दो का। 2019 में जो भी ये अपने लीडर थे बीजेपी के किसने वोट मांगी थी राव साहब के, मुझे आगे विधायक थे नहीं थे, विधायक ने रेवाड़ी के विधायक ने राव साहब के साथ कोई एक मीटिंग अटेंड करी हो, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, मैं आपको रिकॉर्डिंग किस दिन भी चर्चा बैठ जाना, मैं आपको सारी मीटिंग्स की सारी रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। अब भी सर क्या होगा कि इस इलेक्शन जीतने के बाद भी लोग कहेंगे कि वोट अपने पर्सनल कैपेसिटी में, अब मैं भी 4 दिन वोट मांगने गया हूं। अब ये थोड़ी कि मैं आगे बदल नहीं बता सकता, भाई मेरे जहां मेरा प्रभाव है, जहां मेरी जानकारियां है, जहां मेरा है, मैं जाऊंगा करूंगा, वहां मैं भी गया हूं, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप मांग रहे हैं कि आपसे जीत हो रही है, मैं कहीं बड़ी हो जाए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा रही बात, वो जो विनय भाई कह रहे थे कि भाई जीत है, भाई जीत जीत होती है और 3 लाख की जीत कोई कम जीत नहीं है, पहली बात आपको मैं ये बता, मैंने अपना आंकड़ा पेश किया है, मैंने अपना आंकड़ा दिया है और अपना आंकड़ा, मैंने ये नहीं कि मैं कोई एक भाई भगवान बैठा हूं, मैंने उसको भाई कर दिया थ्री, मैंने ईवीएम खुलेगी फिर सामने आएगा। हाँ, मेरे हिसाब से जो मेरा आंकड़ा था, मेरे हिसाब से जो मेरा दोपहर तक का जो भी मेरी
भरीवाड़ी तो मैंने घूम के खुद देखा है, बावड़ा मैंने खुद घूम के देखा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, गुड़गांव मैंने पूछा है, बादशाहपुर पूछा है, सोना पूछा है, भाई अपने संपर्क सूत्र वहीं पूछेंगे ना यार। बिल्कुल देखिए समर्थक तो बिल्कुल नेचुरल अपने नेता के लिए बात करेगा, नो डाउट। जो मोटा मोटा मेरे पास आंकड़ा आया और आंकड़ा का मैंने जमा गुणा घटा भाग अपने दिमाग से करके जो मैंने लगाया तो वो मैंने आपको आपको फिगर दी थी कि राव साहब की 3 लाख की कम से कम जीत है इसके अंदर। आपने आपने नफा गिनाया भाई, सामने वाला नुकसान गिना रहा कि कहां से भाई, उसका अपना आकलन है कि यहां से नुकसान भी हो सकता है, तो उसी में तो हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें निराशा की तो कोई बात ही नहीं, नाराज होना नहीं चाहिए हमें, साथ में चर्चा करें, लोग सुने उसको, उसी में रहे। विनय जी अब ये बताइए, उन्होंने तमाम तरीके का आकलन कर लिया, आपको लगता क्या क्यों नुकसान हो रहा है? पहली बात तो बॉबी भाई, अगर राव साहब को कोई समझदारी की बात समझाए, इनके समर्थक समझे, इनके गले नहीं उतरती, पर्सनल ले जाते हैं, इनको हर वो चीज बुरी लगती है जो सच्चाई का एक आईना दिखाए। कुछ भी बात कही गई, पिछले चुनाव में 19 में कम से कम रेवाड़ी की 20 सभाओं के अंदर माननीय विधायक राव कापड़ीवास जी ने, मैंने खुद उनको देखा है, कम से कम 5 मंच मैंने साझा किए भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र ऋषि के साथ रेवाड़ी की सभाओं में। एक तो ये झूठ फैला रहे, मेरे भी फोटो में 20 दिखा सकता हूं इनको, नई आबादी में वो रहे, गोल चक्कर पे वो रहे, 12,000 पे वो रहे, आनंदनगर में वो रहे। अब मैं ज्यादा बताऊं तो टाइम ज्यादा निकल जाएगा, तो इस तरह का नहीं, आपका किसी नेता से लगाव है तो आप ठीक है लगाव, आप चर्चा यहां कर रहे हैं ना, तो आप उस चीज पे चर्चा कीजिए, अपने लगाव को मत गिनाइए। अगर मैंने 20 गांव नाम दिए, राम साहब की कितनी मीटिंग 19 में हुई आप वो डाटा निकालिए, 24 में कितनी मीटिंग उन्होंने टोटल करी, लोग समझे चुनाव में कितने लंबे समय में अपना पता चल जाएगा, केवल कह देने से सब कुछ नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट की, आंकड़ों की, समर्थक होने के नाते नहीं किसी का वोट, मैं कह रहा हूँ खुला, मैंने 5 सभा तो मैंने अटेंड किए कापड़ीवास और राव साहब एक साथ पिछले चुनाव के अंदर, उसमें कोई दोराय नहीं, नहीं नुकसान हम बात कर रहे हैं आज की स्थिति क्या है, क्या चला है, ठीक है जी, बात उसके ऊपर हो रही थी, वोट किसने किसना दिलवाया, समर्थक सबके सबको वोट दिलवाते, इसमें भी कोई दोराय नहीं। आपने सवाल पूछा था किस से तरह से कितना डेंट हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, जवाब उसका दिया जा रहा है, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं किया जा रहा था, ये हर बात को पर्सनल लेना भी ठीक नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूं डेंट कहां कहां से हो रहा है, वही पे चर्चा हो रही थी, आंकड़ों की बात कर रहे थे कि पंजाबी वोट था, हर बार जो मेरे बार बार सवाल उठ करके आ रहे, अब तक तो मेयर और अहीर होता था, लेकिन इस बार मेयर और अहीर नहीं हुआ, अहीर और नॉन अहीर हो गया, वो कहीं नुकसान तो नहीं कर रहा अंदर खाते, सिर्फ मेरा इतना सा सवाल था आपसे विनय जी। देखिए मोहन जी मैं उसी बात पे आ रहा था, अहीरों ने आखिरी के अंदर जो जितनी भी नाराजगी थी राव साहब ने उनको दूर किया, या वो खुद मान गए हमारी अहीर सीट खत्म ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले जितने भी राजनेता रहे थे हरियाणा में, जिसकी भी सरकार रही थी, हर एक पार्टी ने दक्षिणी हरियाणा की अहीर सीटों को खत्म करने का प्रयास किया, चाहे वो परिसीमन के माध्यम से किया, चाहे टिकटों में देने के माध्यम से किया, किसी भी तरह से किया। इस बार अहीर चाहते थे, जो मुद्दा उठा भी था कि इस बार चलो वहां दान सिंह को टिकट मिली है, यहां से राव इंद्रजीत को टिकट मिली है, तो दोनों सांसद बन के आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, अहीर वोटर ये नहीं देख रहा था वो किस पार्टी से है, वो केवल ये देख रहा था कि हमारा अहीर सांसद एक की बजाय दो बने, उसके ऊपर दोनों एरियो के अंदर उनका प्रत्यक्ष जो था बिल्कुल रवैया था, और वो उस भिवानी महेंद्रगढ़ जब राव गए तो आपको लगता है क्योंकि वो कोसड़ी में भी गए दीपेंद्र के लिए और उन्होंने अपील की एक तरीके से, और उसमें मैंने जगदीश यादव का इंटरव्यू भी किया था, क्या लगता है यहाँ डेंट कर पाए वो भी? देखिए डेंट तो अगर वो गए हैं वहां लोकसभा में, कोसड़ी में डेंट तो जरूर हुआ है राव साहब के जाने से, पर वो डेंट का असर कितना है, लोग में एक प्रतिक्रिया भी थी राव साहब के जाने के बाद, प्रतिक्रिया थी अगर राव साहब का जो वोटर है वही वोटर यादवेंद्र का है। मैंने यादवेंद्र कांग्रेस में उनकी सभा में अक्सर उन लोगों को देखा है जो रेवाड़ी के अंदर तो राव साहब की सभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में दिखते हैं, और वही जो उनके समर्थक हैं वो यादवेंद्र की सभाओं में कोसड़ी में जब वो मीटिंग करते हैं तो उनके अंदर दिखते हैं। तो ये समर्थक जो हो गए वो पार्टी से जुड़े नहीं है, उनके इंडिविजुअल हो गए। अब जो इस तरह के जो समर्थक हैं उनको निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत आई, तो यादवेंद्र की राजनीति को यहां खराब करें या राव साहब की बात को माने। राव साहब की बात को तवज्जो इसलिए दी जाती है कि वो लगातार सत्ता में, यादवेंद्र वहां से फ्लॉप हो चुके हैं, इसलिए उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही, वो इतने जनता के बीच में नहीं डेंट है। लगा है मतलब डेंट लगा है, पर उस डेंट की भरपाई जो बादली विधानसभा है वहां पिछली बार जितनी वोट कम मिली थी दीपेंद्र को, वहां बढ़त मिल रही है उनको। रोहतक में भी इस बार पहले से उनको बढ़त मिल रही है, रोहतक के अंदर आप देखिए तो 80% स्पष्ट जवाब दे रहे थे, किसी आप सवाल करो भाई वोट दो दीपेंद्र, दूसरा दीपेंद्र, वो स्पष्ट था हमारे गुड़गांव लोकसभा में भी लोग राव साहब को, और वो स्पष्ट रूप से बहुत से लोग नहीं कह रहे थे कि राव साहब को वोट दे रहे हैं, जब उनकी कुछ भी मजबूरी रही हो। अब आप बात करें भिवानी लोकसभा की,
भिवानी लोकसभा के अंदर भी अहीर जो वोटर्स हैं उन्होंने मैक्सिमम जो वोट दिया दान सिंह को दिया, क्योंकि उनके लिए मुद्दा ना पार्टी थी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना मुद्दे, उनके लिए इस बार पहली बार मुद्दा था कैसे भी करके हमें यहाँ से सांसद अहीर बनाना है। और जो नॉन अहीर वोटर्स थे, अन्य जो उधर की भिवानी, महेंद्र भिवानी की लोकसभा थी, दादरी की थी, लोहारों की थी, वाटा, उनके भी जो नॉन जाट वोटर्स थे, जो उन्होंने भी मैक्सिमम ने वोट राहुल गांधी को किया है, इसलिए हमारे से ज्यादा परसेंटेज भी वोट परसेंटेज वहां फोल होगा। किरण और श्रुति को डेंट कर पाए क्योंकि मोदी जी आए, बंसीलाल की तारीफ कर गए, क्या लगता है वो कोई इफेक्ट पड़ा? देखिए किरण और श्रुति का डेंट जब कामयाब होता है जब उनके समर्थक राहुल गांधी के साथ ना जुड़े होते। अगर आप बात करें किरण चौधरी को दर्द तब हुआ जो उनके अपने समर्थक थे वो उनसे पहले ही उनके बयान के बावजूद भी दान सिंह के साथ जुड़ गए डायरेक्ट रूप से और उनका समर्थन करते रहे, चाहे वो ठाकुर समुदाय से थे या जाट समुदाय से थे। तो किरण चौधरी को ये लगने लगा जब तेरे निजी समर्थक ही मात चले गए हैं तो कभी ऐसा ना हो आने वाले विधानसभा में आपको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाए, इसलिए वो अपना दर्द बयान कर रही थी कम से कम मेरे जो समर्थक है वो मेरे पास बचे रह जाए और मैं पार्टी में अपना एक रुतबा रख सकूं, मुझे आत्मस्थ हो सकूं। अच्छा मोदी जी भी कोई फायदा करके आपको लगता है? मोदी जी का तो बयान सबसे आशाजनक रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, देश के प्रधानमंत्री है, वहां से सांसद जो रहे धर्मवीर जी का और बंसीलाल परिवार का 36 का आंकड़ा रहा है, उन्होंने बंसीलाल परिवार को कई बार हराया है और मोदी जी उन्हीं के मंच पे खड़े होकर उनकी बड़ाई कर रहे हैं, राव इंद्रित वही है, राव इंद्रित की बड़ाई कर रहे हैं, जिस बंसीलाल ने शहीदी दिवस की छुट्टी खत्म की थी और उसको चौटाला साहब ने बहाल किया था। आप जो राव जो हमारे राव बिरंदर के विरोधी रहे बंसीलाल परिवार, आप मान के राव इंद्रित सिंह के विरोध में बंसीलाल जो परिवार रहा, उनकी बड़ाई मोदी जी उन्हीं के सामने मंच पर कर रहे हैं, तो ये किस तरह का संदेश था वो तो जनता की समझ में भी नहीं आ रहा था। चलिए बोबी जी एक मिनट का समय, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट का समय नहीं, मैं तो चलो कोई बात नहीं, अब जो 5 तारीख के ये वोटिंग आ जाएगी क्या इंतजार करेंगे मेरे भाई, मन से क्यों ले, दिल पे क्यों लेते हो, वो तो बात नहीं दिल से तो जो होने वो किस्मत ही बंद हो गई, जो परिणाम स्वीकार्य होगा, हार हो जीत हो, देखिए दो लड़ेंगे तो जाहिर एक जीतेगा और यहाँ तो कई लड़ रहे हैं, पहलवान तो एक ही बनना है ना। ठीक बात, हार जीतने के लिए लड़ी रहे हैं तो हारेंगे या जीतेंगे, जीतने के लिए लड़ते हैं, प्रतिद्वंदी को भी कमजोर क्यों समझे। लेकिन मैं चलते चलते आपसे एक सवाल कर लेता हूं, हालांकि आपसे नहीं करना चाहिए लेकिन अब करना भी आप ही से चाहिए। बब्बर को आपको लगता है कैप्टन अजीत सिंह यादव का पूरा साथ मिल पाया, जैसा वो बार बार कह रहे थे अभी बब्बर का चुनाव? मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूं, जिस दिन काउंटिंग हो, पिछली बार कप्तान साहब को जो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, बावड़ विधानसभा क्षेत्र से, सोमना विधानसभा टिकते जो वोटें मिली थी, बब्बर साहब को उससे कम वोटें मिलेगी। अच्छा, उसमें अगर ज्यादा मिल गई तो सर उसमें निचोड़ आ जाएगा, रेवाड़ी विधानसभा से बब्बर साहब को जो कप्तान साहब को वोटें मिली थी उतनी वोट नहीं मिलेगी। अच्छा चलिए, विनय जी आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल ठीक बात मैंने पहले भी मोहन जी कही थी, अभी आज की डिबेट में कही थी, कांग्रेस के जो वर्कर थे वो उस लेवल तक काम नहीं कर पाए, वो दिखाने में तो ज्यादा थे मगर काम करने में पीछे थे, भाजपा के जो वर्कर थे, टीम थी, और जो लेकिन एक सवाल है ना, वो ज्यादा वर्किंग कर पाए नहीं, पिछली बार 19 में जो आप कैप्टन साहब यहाँ से खुद के निवासी है, जैसे राव इंद्रित यहाँ खुद के निवासी है, तो उनके लिए उनकी समर्थक जो है, जो लोगों की सहानुभूति वो ज्यादा है। इस बार राव इंद्र सिंह यहाँ के अकेले निवासी रह गए तो सहानुभूति जो लेवल था वो इनके लिए ज्यादा बढ़ गए। लोग यादव अपने समर्थकों को मीटिंगों में तो बुला पाए पर बूथ लेवल से वोट निकालने में कांग्रेस के जो थे बूथ लेवल से वो ठीक है। मेरा सवाल दूसरा है, जो संविधान को लेकर के मुद्दा था और को मुद्दा था तो जाहिर है वोट बढ़ेंगे, अगर पिछड़े वर्ग का वोट कांग्रेस को मिल रहा है, मुस्लिम का वोट मिल रहा है, पंजाबी का वोट मिल रहा है जो पिछली बार नहीं मिल पाया, तो इसके मतलब गेन कर रहे हैं, गेन पिछली बार से ज्यादा कांग्रेस का वोट आएगा तो गेनिंग है ना। मैं वही तो पिछली बार 485,000 जो वोट आया कांग्रेस को, आप उससे अगर ज्यादा वोट कांग्रेस को आ रहा है तो गेन ही तो है। बोबी जी कुछ कह रहे हैं? हार जीत तो ईवीएम में बंद हो गई। मैं आपको ये कह रहा था कि जो कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस के तैयार हो रहे हैं, ये हो जाएगा, किसने क्या मेहनत की है, क्या हुई है, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि उस जो रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस का बनेगा, कप्तान साहब का, विधायक महोदय का बनेगा,
कहीं ऐसा ना हो कि विधायक महोदय की टिकट ही संकट में पड़ जाए अगले विधानसभा इलेक्शन के अंदर ही बड़ी से। चलिए पड़ेगी जी आपको। अगर 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 कप्तान साहब के विधायक साहब के एरिया से जो विधायक साहब ने वोट ली थी, विधायक साहब ने 43-44 हजार वोट ली थी कांग्रेस के, अभी जब विधायक बन जीत के विधायक बने थे, अगर इतनी वोट दिला नहीं पाए, 40 से नीचे नीचे वोट रहती है, तो विधायक साहब की टिकट पे 100% खतरा खड़ा हो जाएगा। मैं आपको लिख के बात दे रहा हूं, वो तो दोनों के साथ है भाई, वो तो दोनों के साथ है। राव भी अगर नहीं जीत पाए तो आप सोच के कहां खड़े होंगे, दोनों के लिए। अगर बब्बर जीत तो जीते हुए हैं। अरे अरे राव साहब जीते हुए हैं। अरे भाई 5 तारीख को भाई जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। हाँ राव साहब जीते हैं, मेरी हवा में कोई दिक्कत नहीं, जीते हैं वो, निश्चिंत है। आप क्या बोलते हैं? नहीं वो निश्चिंत रहो, अच्छी बात है, होना चाहिए। समर्थक है तो समर्थक को तो निश्चिंत होना चाहिए। समर्थक मुकाबला तो देखिए, इतना भी हम हल्का नहीं मान सकते। मोहन जी मुकाबले की बात मैं करता हूँ, सबसे बड़ी बात क्या आती है, आप बिल्कुल किसी का पक्ष लिए भेदभाव किए बिना आप किसी की चर्चा करते हैं, आप किसी समर्थक से करते हैं तो उसको लगता है, अगर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं यही बात कांग्रेस का समर्थक यहाँ बैठा होता और मैं उसको आंकड़े समझा रहा होता कि आपके वर्कर उस लेवल पर वोट नहीं निकाल पाए, आपकी टीम काम नहीं कर पाई, बूथ लेवल एजेंट वोटों को प्रभावित नहीं कर पाए, तो उसको भी चीज का बड़ा दर्द होता है। उसे वो अपने निजी तौर पर हमारा ध्यान है, अब जो बात फील्ड में है वो लोकतंत्र तक पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस के कैंडिडेट को बुरी लगे, भाजपा के समर्थक को बुरी लगे, उस विषय से कोई वो लेना देना। चलिए आप दोनों मेरे साथ जुड़े और एक अच्छी चर्चा की और लगातार करेंगे। अभी तो रिजल्ट आने में 2-3 बाकी है, 7वें चरण का भी मतदान बाकी है और उसके बाद काउंटिंग होगी 4 जून को। तमाम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इसी तरीके की हम चाहते हैं, हर बार चर्चा करें, सार्थक चर्चा करें, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का नाम लिए हुए, बिना किसी पे कटाक्ष किए हुए, ताकि लोग हमें शालीनता से सुने। आप दोनों जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार।